नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube न्यूज़ चैनल कर्मचारी यूनियन पर मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज पूर्व सैनिकों के पेंशन रिवीजन के नए EPPO हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा विस्तार से स्टेप बाय स्टेप ऑफिशियल वेबसाइट से किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, वो हम आपको वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों, आप अपने फ़ोन में अपने EPPO को डाउनलोड कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको पेंशनर्स और केंद्रीय कर्मचारियों पूर्व सैनिकों से संबंधित सभी लेटेस्ट वीडियो जो जानकारियां हैं वो वीडियो के माध्यम से जल्द प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमें किसी भी क्रोम, गूगल, किसी भी ब्राउजर में PCDA इलाहाबाद की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसे ओपन कर लेना है। जैसे ही वेबसाइट खुलेगी हमें इस प्रकार का इंटरफेस दोस्तों दिखाई देगा। जैसे ही इसमें आप अपना रैंक सेलेक्ट करते हैं, कमीशन्ड ऑफिसर, JCO, अदर रैंक्स जो भी इसमें दी गई हैं, आप इसमें जैसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं, नीचे आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो पेंशन स्टेटस है वो आपको शो होगा। आपको यहीं पर पेंशन स्टेटस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दोस्तों आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको नेम ऑफ द एप्लीकेंट सेम इन PPO अपना नेम डालना है यहाँ पर। उसके बाद रेजिमेंटल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, और अगर आपका रेजिमेंटल नंबर 7 डिजिट का है तो आपको 0 लगानी है उसमें स्टार्टिंग में, और जो लास्ट डिजिट है वो कैपिटल ही रखना है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि इमेज वेरिफिकेशन आपको ये यहाँ पर दिया गया है, जैसे 21+16 आपका आपको ये देखना है, जो भी डिजिट यहाँ पर, ये एक तरह का कैप्चा फिलिंग होता है, तो जो भी इसका इन दोनों डिजिट्स का जोड़ होगा वो आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ डालना होता है। जैसे 21+16 यहाँ पर 37 हो जाता है, तो आपको यहाँ पर 37 डाल देना है। जैसे ही 37 डालने के बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा, जिसमें नेम, IC नंबर, डेट ऑफ डायरी, क्लेम स्टेटस, PPO नंबर जो आपका होगा, व्यू PPO डिटेल्स और डाउनलोड PPO कॉपी, सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर ओपन होकर दिखेंगे दोस्तों। और आपको ये बता दें कि यहाँ से आप डाउनलोड अपनी PPO कॉपी नहीं कर पाएंगे, उसके लिए क्या प्रोसीजर है हम आपको अभी बताते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, और उसमें जो सर्चिंग में है आप डिजी लॉकर लिखेंगे और ये एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाएगी। आप इसे इंस्टॉल कर लें और साइन अप कर लें। साइन अप करने के बाद जैसे ही आप यहां सर्चिंग बॉक्स में PCDA लिखेंगे तो नीचे आपको देख सकते हैं कि PCDA पेंशन इलाहाबाद का यहां पर ऑप्शन आपको दिखेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पेंशन सर्टिफिकेट को आपने ओपन कर लेना है। पेंशन सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से ओपन होगा, जिसमें आपको अपना जो न्यू PPO नंबर है जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाया गया था PCDA इलाहाबाद की, वो आपको इसमें फिलअप कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करें तो कुछ इस तरह से आपका ये डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इसमें आप नीचे देख सकते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें क्या क्या दिया गया है वो भी हम आपको एक बार थोड़ा जूम आउट करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें जो पे डिटेल्स हैं, इसके साथ ही आपकी जो एडिशनल पेंशन ऑफ अटेनिंग एज है, जो भी आप जितने इयर्स के आप की जो हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, 80 इयर्स, 85, 100 इयर्स पे आपको कंप्लीट जो पेंशन मिलेगी। इसी के साथ जो नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन यहाँ पर दिया गया है, जो भी आप यहाँ पर क्लासिफिकेशन अलाउंस, जो आपका MSP है, जो आपकी नेशनल पे डिटेल्स पे है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप अपना ऑफिशियल वेबसाइट से जाके अपने फ़ोन से ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका अपडेट हो गया तो डाउनलोड करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसी का डाउनलोड नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि अपडेशन उसका अभी तक नहीं किया गया हो, तो आप कुछ समय बाद उसको ट्राई करें तो वो आसानी से डाउनलोड हो जाएगा।
दोस्तों इस वीडियो में यही जानकारी थी, होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व सैनिकों के साथ इसको शेयर करें ताकि सभी अपना EPPO आसानी से अपने फ़ोन के द्वारा ही डाउनलोड कर सकें। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।